हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर रिएक्शन वीडियो बाय अस, आपके लिए स्पेशल। और ये है आपका फेवरेट खान सर का श्रीलंका वाला वीडियो। शुरू करें पढ़ाई। शुक्र है आज उसने कुछ शुरू में ड्रामा नहीं किया। लड़स को कभी कभी ये दिन भी हमें देखने को मिलता है। लड़स को आई लाइक्स। व्हाट आर यू इंस्टिगेटिंग मी टू डू सम ड्रामा? पुष्पा, आर यू द ड्रामा क्वीन? आर यू? लेट्स प्ले। ओके, जय हिंद। देखिए श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि आखिर ये इतना बर्बाद कैसे हो गया। और ये तो कंप्लीट बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि जिस भी राज्य या देश की जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो 60 से ऊपर जाता है वो बर्बादी की ओर जाता है, और 100 क्रॉस किया तो कंप्लीट बर्बाद हो जाता है। और श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो 110% हो गया है। देखिए श्रीलंका को आज़ादी मिली 4 फरवरी 1948 को। यहाँ 22 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर इसका पुराना नाम सीलोन था। पहले ये भारत से शुरुआत में कई सारी इससे लड़ाइयाँ हुई थी। बहुत प्राचीन काल में भारत के राजा करिकाल आक्रमण किए थे वहाँ पे। राजा राज ने किया था, राजेंद्र चोल ने किया था, देवराय द्वितीय ने किया था, कई समय किया था। उस समय इसका पुराना नाम सीलोन था। इसकी राजधानी भी टाइम टाइम पर बदलती रही। एक समय था जब अनुराधापुर थी, फिर इसके राजधानी कैड्डी हुई, फिर कोलंबो हुआ, अभी इसका राजधानी श्री जयवर्धनपुरम हो गया। इसके बड़े शहर की बात करेंगे तो इसके नीचे में हम्बनटोटा शहर जो है, यहाँ पर ये काफी बड़ा शहर है हम्बनटोटा, इसका बंदरगाह यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रिंकोमाली, इसका पेट्रोलियम रिजर्व बहुत बड़ा है, जिसे भारत ने अभी लीज पर ले लिया। इसका ऊपरी राज्य जाफना कहलाता है। ये वाला जगह जाफना है, जहाँ पर लिट्टे नामक एक उग्रवादी संगठन पनपा था। अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए श्रीलंका का दो ही बिजनेस होता है, एक इसके यहाँ खेती होती है, दूसरा टूरिस्ट होते हैं। खेती और पर्यटन पर ही ये चलता है, लेकिन इसने पर्यटन पर खुद ही लात मार लिया। जो बचा हुआ काम था उसने कोरोना कर दिया। पर्यटन पर खुद ही लात कैसे मारा? इसने भारत से जो ऐसा कानून बनाया, नागरिकता खत्म कर दिया वहां पे, लगभग 40,000 लोगों को मार दिया यहाँ पर। और ये तमिल के लोग थे वहां पे, सिंगली बौद्ध की अधिकता है, और ये तमिल जो थे ये ज्यादातर हिंदू रिलीजन से मायने रखते थे। तो ये लोग जो थे इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे, इनके ऊपर कैंपों में रखा गया, जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा, जिस वजह से भारत से इनका जो संबंध था बिगड़ते गया। और कोई भी टूरिस्ट पास के देश में जाता है, जैसे हम ही लोग को देखेगा नेपाल, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। अब नेपाल संबंध खराब कर लेगा तो अच्छा खासा उसको टूरिस्ट लॉस होगा। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ईस्टर डे ब्लास्ट हो गया। क्रिश्चियंस में 3 त्यौहार बहुत फेमस है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ईस्टर डे में ब्लास्ट में यहाँ लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 विदेशी क्रिश्चियन थे जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे। जिस वजह से एक भारत को तो नाराज कर ही दिया, और दूसरे क्या है कि विदेशी पर्यटकों में भी एक डर की भावना बढ़ गई। इसकी गहन जाँच कराने के बाद इसने कुछ ठोस कदम पे नहीं पहुंचा, और इसने क्या किया, आरोप लगा था इसमें एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का, जिस वजह से इसने बुर्के पर बैन लगा दिया। उसके बाद एक और माहौल क्या हो गया, भड़क गया। देखिए कभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि एक्सटर्नल पॉलिसी को दिक्कत होने लगे। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इमेज खराब हो गई, और इसे लोन लेने में दिक्कत होने लगा, और इसने इसके जो इंटरनल वायलेंस हो रहे थे उसको फेसबुक ने बहुत बढ़ा दिया। यहाँ पर सोशल मीडिया किसी चीज़ को बहुत बढ़ा रहा है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ये डूबा है इसमें फेसबुक का भी बहुत बड़ा हाल है। भारत में भी क्या है कि मीडिया को भी यहाँ क्या है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसे सप्रेस करके दिखाना चाहिए। आप कल्पना करके सोचिए, अगर हम लोग को ये न्यूज आए कि लंदन में ब्लास्ट हुआ, लंदन में दंगे फसाद हो गए, तो हमारी खबर, हमारे दिमाग में क्या इमेज बनेगा लंदन के लिए कि यार लंदन सेफ शहर नहीं जाना। लेकिन अभी कैसा लगता है, लंदन बड़ा फेमस जगह है घूमने के लिए। तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में अगर कुछ भी होता है तो दिल्ली राजधानी है, उसे सप्रेस करके दिए। पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिस से ज्यादा तो मीडिया वाले कूद जाते हैं, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 इंच का ईंटा था, 12 इंच का घर पे से फेंक दिया, ऐसा ऐसा दिखाएगा सर, जिससे कि ऐसा लगने लगेगा कि वो देश क्या है, अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फेसबुक ने श्रीलंका पे इतना ज्यादा वायलेंस को फेसबुक के एल्गोरिथम ने दिखाया था कि वहां से टूरिस्ट आना ही कम कर दिए। बचा हुआ काम को पूरा कर दिया कोरोना। कोरोना की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन लगा, इंटरनेशनल फ्लाइट बैन लग गए, जिस वजह से यहाँ पे पर्यटन पूरी तरह से चरमरा गया। अब श्रीलंका को खुद सोचना चाहिए, वो अपने 7% क्रिश्चियन पे वैसे ही वहां पे वायलेंस हो रहा है, 9% मुसलमानों के ऊपर वैसे ही हो रहा है, 12% जो तमिल हिंदू है उनके ऊपर भी अत्याचार। तो भैया सबके बहरेले लोगे तो रहेगा कौन तुम्हारे यहाँ? इन सारी घटनाओं के वजह से श्रीलंका को एक हैवी लॉस हुआ, और इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी, और यहाँ से पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा। दूसरा इसका व्यापार था खेती। खेती में ये बहुत बड़े पैमाने पर कोकोनट और कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट करता था। यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है, केरल में भी होती है, तटीय राज्यों में। देखिए हम लोग के यहाँ जो नारियल होता है वो लंबे पेड़ों पर होते हैं, लेकिन यहाँ जो तटीय राज्य होते हैं वहाँ नारियल की लंबाई बहुत कम होती है, मतलब 10 फीट 15 फीट पे नारियल हो जाता है, और काफी ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ पर नारियल। तो नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है,
भी थी यहाँ पर, साथ में यहाँ पे रबड़ की खेती होती है। रबड़ जो होता है नेचुरल रबड़ जो होता है वो यहाँ से स्पेस रबड़ के पेड़ से दूध से निकाला जाता है जिससे ये रबड़ को बनाया जाता है। तो ये रबड़ की खेती भी बहुत ज्यादा इसके पास होती थी। दूसरा चाय, चाय में तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को, और खेती पे ये कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी था। हमारे यहाँ से कम चाय होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग चाय पी भी तो जाते हैं, इतनी जनसंख्या है उसमें से जिसको देखो सुबह में दिन भर में 3-4 टाइम चाय पी लेता है यहाँ पर, जिनको चाय की आदत लगी रहती है। तो ये यहाँ पर काफी अच्छे से फल फूल रहा था। लेकिन यहाँ पे चौपट नेता सब, देखिए नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ऐसा चौपट करेंगे समझे जिसकी खामियाजा कई पुस्तकों को चुकानी पड़ती है। नेतवा कहा कि भाई जो हम लोग यूरिया पोटाश डीडीटी जो सिंथेटिक खाद का प्रयोग करते हैं रासायनिक खाद का, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी श्रीलंका के पास, तो इन्हें इंपोर्ट करना होता था। ये लगभग $400 मिलियन प्रति वर्ष खर्च करते थे, यानी 3,000 करोड़ रुपए का ये खाद मंगाते थे। इस खाद से ये फायदा होता है कि इससे पैदावार बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत ज्यादा पैमाने पर, लेकिन ये क्या है महंगा आता है। दूसरा ये खेत को एक लॉन्ग टाइम में नुकसान पहुंचाता है, तो इसने सोचा एक काम करते हैं इसका आयात पे बैन लगा देते हैं, ऑर्गेनिक खाद नेचुरल खाद का प्रयोग करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पत्तियों को सड़ाकर केचुआ से बनाया जाता है, गाय के गोबर से केचुआ मैंने बनाया था अपने रिसर्च में। ये क्या है ऑर्गेनिक खाद की एक खराबी क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको 15 से 20 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे भारत में असर दिख रहा है, सिक्किम पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया, वहां पर ऑर्गेनिक खाद का होता है। मिजोरम दूसरा हो गया, पूरी तरह से जैविक शहर अगरतला हो गया। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। इस खाद का प्रयोग से फायदे होते हैं, लेकिन इसका फायदा तुरंत नहीं दिखता है, और ये इन सारे खादों का फायदा तुरंत दिखता है। तो श्रीलंका का मंत्री पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने आयात पर बैन लगा दिया, आयात नहीं हुआ तो वहाँ हैवी डिमांड हो गई ऑर्गेनिक खादों की। अब ऑर्गेनिक खाद से तुरंत फायदा होता नहीं है, दूसरा इनके पास ऑर्गेनिक खाद था नहीं और डिमांड भयानक हो गया है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो खेती ये चौपट हो गया। तो इन्होंने चाइना से $70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद लाया। बताइए चाइना से मंगा रहा है, खाने पीने का सामान तो कभी नहीं मंगाना चाहिए, तो खाद मंगाया, उस खाद में बीमारी लग गया और अजब टाइप के बैक्टीरिया पाए गए सब इसके खाद में, चाइना वाले में पेड़ में खा जाते, मतलब खाद डाला जाता है पेड़ उगने के लिए, चाइना में खाद डाला जाता है तो पेड़ में खा जाता मिलियन की मंगाई है। तो श्रीलंका ने इस खाद को वापस सुन ले पैक किया और वापस जहाज से भेज दिया चाइना में। इसे भेजने में श्रीलंका को $7 मिलियन का खर्च आया। बाहरे श्रीलंका, बाहरे चाइना, वाह यार इससे बड़का दगाबाज तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तानियों को कमी ना समझते थे कि उसका भी बाप निकला सब। सोचिए किस तरह से इससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए इन चोटों से, फादर ऑफ कोरोना। इस खाद वाला जो संकट है इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर था उसे गेहूं और चावल जैसे चीजों को भी इम्पोर्ट करना पड़ गया अपने देश के पेट पालने के लिए। अब टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया, अब पैसा आएगा कहाँ से, जिस वजह से इनके पास पेट्रोल को आयात करने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से पेट्रोलियम महंगा होते गया। पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया, अब पेट्रोलियम के ज़्यादा महंगा होने से पेट्रोलियम को लेने के लिए लाइन पे लाइन लगने लगे सब वहाँ पर। पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया, 350 रुपया लीटर हो गया। अब ये पेट्रोल और डीजल के महंगा होने से हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो जो आयात नहीं, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, बस का बढ़ जाएगा, और ट्रैक्टर डीजल जो भी चीज़ें चलती हैं इस पर कंबाइन मशीन वगैरह जो होते हैं, ये सबसे खेती पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिस वजह से इसका खेती भी पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया श्रीलंका का। एक के बाद एक चौपट होते गया, श्रीलंका के पास पैसा बच गया जीरो, कुछ भी पैसा नहीं बच गया, दुनिया से चला गया लोन मांगने के लिए, IMF वगैरह से लोन मांगने, भारत से लोन मांगने। इसके पास इस साल $7 बिलियन कर्जा चुकाना है और इसके पास पैसा एक को रुपया नहीं है। चाइना कह रहा है कि हमारा लोन चाहिए, वापस चाहिए चाइना, यहाँ पर चाइना से जाए हम बनटोटा बंदरगाह बनाए, ससुरा तो नहीं रहे के ठीक है बंदरगाह बनाएंगे यहाँ पर, वो लोन लेके। अब आप सोचिए ना किसी का कम पैसा है लोन ले लेकर दे महल बनाएंगे, चौपटे ना करेगा ससुराल तो यहाँ पर। $7 बिलियन का पैसा इसके पास, कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। अब IMF से लोन लेने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो ये अच्छे कामों के लिए लोन देती है, विकास के लिए, सड़क पुल बिजली घर ये सब बनाने के लिए। IMF लोन देती है, ये बेल आउट पैकेज देती है एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास तनिको पैसा नहीं बचता है तब देती है, और देने के शर्त रखती है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे। अब बताइए IMF से लोन लेने का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी उसको सौंप दीजिए। यहाँ पर जो भी देश IMF पे लोन ले रहा है मतलब समझिए वो देश चौपट हो गया। IMF को इकोनॉमी के भाषा में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है, जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर लगा है ऑक्सीजन पे जी रहा है तो समझिए एकदम सीरियस पोजीशन है। तो किसी देश को पता करना है चौपट हो रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए IMF से लोन लिया है कि नहीं लिया, चौपटे हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी IMF इनको लोन देगी, अभी काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसने सोचा ऐसा नहीं है कि श्रीलंका अपने को बचने की कोशिश नहीं किया, ये घटना उसके पास पिछले 2 सालों से हो रही थी। इसने क्या किया, 2020 में इसने कहा कि हमने टैक्स हॉलीडे बना देंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, विदेशी कंपनियां कूद जाएंगी ये सोचकर। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर दिन खराब हो ना इंसान का तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। जैसे इधर
टैक्स हॉलीडे घोषित किया, उसके दो महीना बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया 2020 में, और मार्च अप्रैल तक तो पूरी दुनिया में फैल गया था, और पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां ठप पड़ गई, शटडाउन हो गया। जो भी एक तो इनके पास टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, जो कुछ पैसा टैक्स से आता था इन्होंने सोचा टैक्स कट कर देंगे तो विदेशी आएंगे, विदेशी आया नहीं, उस पर से जो टैक्स आ रहा था वो भी खत्म हुआ, लॉकडाउन में व्यापार खत्म हो गया, पूरी तरह से श्रीलंका जो था कंगाल हो गया। और यहाँ हालत ये हो गई, हर चीज की शॉर्टेज यहाँ देखने लगी, हद तब हो गया जब यहाँ पे पेपर की शॉर्टेज की वजह से दो दो बड़े न्यूज पेपरों को बंद करना पड़ा, एग्जाम कैंसिल कराने पड़ गए क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं होने की वजह से कई सारी समस्या आती है, इनके पास कोयला खरीदने को पैसा नहीं, पेट्रोलियम खरीदने को पैसा नहीं, तो बिजली बनेगा कैसे इनके यहाँ, जब इनके पास बिजली उतना नहीं बनी, इनके यहाँ की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है, उससे उतना बिजली बन नहीं पाता है, यहाँ इतनी बिजली की शॉर्टेज हो गई कि दो घंटा ही बिजली आती है। अब दो घंटा बिजली आने से आप फ्रीलांसिंग का भी काम नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट में भी उतना काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अनइंटरप्टेबल सप्लाई चाहिए। तो श्रीलंका एक के बाद एक चीजें चौपट होने लगी और महंगाई इतनी बढ़ गई कि चीनी 200 रुपया हो गया यहाँ पर, दूध 2000 रुपया, चावल 200 रुपया, 4200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया श्रीलंका में, जिस वजह से यहाँ पे त्राहिमाम मच गया और यहाँ पर दवाइयां तक को इंपोर्ट करना पड़ा। सोचिए हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या होता है, आईफोन की मोबाइल, टेस्ला की कार, मतलब जो हैवी चीजें होती है ना अमीरों के लिए, जो एकदम अमीर लेवल के लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो इंपोर्ट होती है, जो जरूरत की चीजें होती हैं गरीब और मिडिल क्लास यानी 90% इंडिया की जो चीजें होती हैं जो आम जनता के लिए वो यहीं पे बनती है। सोचिए यहाँ दवाइयां तक को इंपोर्ट किया जाता है, पैरासीटामोल का गोली, ये हाल हो गया श्रीलंका का चौपट यहाँ पर। इसे चौपट करने के लिए ऐसा नहीं है कि बर्बाद किया गया है, तो ये सब ने मिलकर बर्बाद किया है। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए ना एक दो नेतवा मिलकर बर्बाद कर देते हैं, एक कहावत कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हरसय पर उल्लू बैठा हो आबाद गुलिस्ता क्या होगा, मतलब किसी बागीचा को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफी है, हर बागीचा के हर डाल पर उल्लू बैठ जाए तो गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ ससुरा भारत में एक के दो नेतवा मिलकर लूट लेता है, यहाँ खानदानी खानदान हम पूरा नहीं थोड़ा सा इन सबका खानदान समझाते हैं बैठ जाते हैं। श्रीलंका में एक मंत्री थे, नाम था उनका एल्विन राजापक्षे, इनको ने इन्हीं के खानदान ने पूरी तरह डुबा दिया। एल्विन राजापक्षे के चार लड़का हुआ, गोटेबाया राजापक्षे, महिंद्रा राजापक्षे, बासिल राजापक्षे और चमल राजापक्षे, ये राजापक्षा फैमिली है। गोटेबाया राजापक्षे की सुनिए ध्यान से, इन्होंने 40,000 तमिलों को मरवाया है, अभी ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनके भाई महिंद्रा राजापक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनके भाई बासिल राजापक्षे वित्त मंत्री हैं, यही ने चौपट किया पूरी तरह। चमल राजापक्षे सिंचाई है, पूरी पूरी तरह से इरीगेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था, खेती को इन्हीं ने चौपट कर दिया। अभी तो ये जिम्मेदारी, और ये सिंचाई मंत्री वाला है चमल राजापक्षे, इसका दो बेटा, एक का नाम है सशिंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में कृषि है, देखिए सिंचाई डुबाया ये कृषि डुबाया यहाँ पर, और समेंद्र राजापक्षे इसके हाथ में श्रीलंकन एयरलाइन की पूरी कमांड है, पूरा ससुरा खानदान एक के पास है। ये खानदानी चोरों ने डुबाया है श्रीलंका को, जब भी जब ये परिवारवाद ना पूरी तरह से चौपट कर दिया श्रीलंका को इन्हीं चोरों ने मिलकर। अभी तो हम गोतिया में गिनबे नहीं किए, चचेरा ममेरा कजन वजन बड़ी मंत्री है, सभी के पास 9 बड़े मंत्री एक ही फैमिली से आते हैं, 70% बजट एक ही फैमिली कंट्रोल करती है, तो चौपट तो होना फिक्स था यहाँ पर। अब यहाँ पर श्रीलंका में इनके खिलाफ बवाल फैलने लगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे, प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंस होने लगे, हाल ये हो गया कि यहाँ पर प्रोटेस्टर जो थे ये मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग करने लगे, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये दूगो जो था सब ये इस्तीफा नहीं दे रहा था सब, तो महिंद्रा राजापक्षे जो प्रधानमंत्री थे उनके घर को जला दिया गया, बाद में इनको इवैक्यूएट करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी, तो इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ गया, लेकिन गोटेबाया राजापक्षे अभी भी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है जब तक इस चोटा को नहीं हटाएंगे हम यहां से हटने वाला नहीं है, तो यहां पर तो ये हट गए हैं महिंद्रा राजापक्षे, और जब तक ये गोटेबाया नहीं हटेंगे तब तक नहीं होंगे। भाई साहब भारत के तमिलों के 40,000 का जान लिए हो यार, तुम नींद कैसे आ जाती है तुम, हर इंसान, हम लोग अफगानिस्तान का एग्जांपल देते हैं ना, ये तमिलों के साथ उनसे भी बुरा हाल किया था, समझ में, आपका देश डिजर्व करता है इसको, भारत के तमिल क्या मांग रहे थे यार, माइनॉरिटी को जीने नहीं देता है सब यहाँ पर, यही हाल हो गया, जियो अब तुम अच्छा ये से इंडिया ही है जहाँ पे हर कोई आराम से प्रधानमंत्री बनाया गया रानिल विक्रम सिंह को, रानिल विक्रम सिंह इसी के करीबी है सब,
चोर चोर मौसेरे भाई, इनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, पूरा श्रीलंका भी और चौपट होगा। IMF इनको लोन अभी दे नहीं रहा है, दुनिया में जल्दी तो लोन इनको कोई दे नहीं रहा, अभी ये पूरी तरह से चौपट होंगे। तो हर देश को ये सोचना चाहिए, हर राज्य को सोचना चाहिए कि आप अपना वित्त मंत्रालय किसे दे रहे हैं। अनपढ़ों को दे देंगे तो चौपट हो जाएगा। भारत से भी कई राज्य हैं जिनसे अच्छा संकेत नहीं है, समझिए ध्यान से। किसी भी स्टेट का या देश का GDP जो होता है वो ये दिखाता है कि इस साल वहां पर कितने प्रोडक्शन होंगे एक साल में, और उस GDP के बाद डेट टू GDP रेशियो निकाला जाता है कि जितना प्रोडक्शन एक साल होगा उसका कितना परसेंट लोन चुकाने में जाएगा। तो लोन लेना गलत बात नहीं है, बट एक लिमिट में लेना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है कि GDP का 20% अगर आप लोन लिए हैं तो ये एक नॉर्मल चीज है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जाता है तो खतरनाक माना जाता है, और 60% क्रॉस किया तो एकदम ये डेंजर हो जाता है। 60% से ज्यादा डेट टू GDP रेशियो नहीं होना चाहिए। अब होगा कैसे भाई, साल भर में हम जितना कमा रहे हैं उसका 60% उसी में ब्याज चुकाने में लोन बचेगा क्या हमारे पास। अब ये स्थिति पे भारत के कई राज्य आ चुके हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है पंजाब, खतरे का संकेत है यहाँ पर। 53% यहाँ डेट टू GDP रेशियो, देखिए 20 होना चाहिए, 53 है यानी 60 के पास है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खराब था यहाँ पर। तो अभी तो वहाँ इलेक्शन हुए हैं, एक आध महीने सरकार आई है भगवत मान की यहाँ पर, अब एक आध महीने में कौन सरकार क्या कर लेगी किसी को नहीं पता। कम से कम 2-3 साल रुकने के बाद ही कोई बता सकता है कि इस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। अभी के लिए कहेंगे तो बस एक भारतीय मीडिया है और एक नेता है सब, जो सरकार बनते कहेगा सर कि एकदम ये हो जाना चाहिए। तो पंजाब को इस पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगली दहलीज पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, इनका 39% डेट टू रेशियो है। उसके बाद 38% पश्चिम बंगाल का है, 34% उत्तर प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश का 32% डेट टू GDP रेशियो है। यानी ये लोग श्रीलंका जैसी स्थिति के लिए मतलब अब धीरे धीरे जा रहे हैं। 60% थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका का डेट टू GDP रेशियो 110% था, इसलिए डूबा यहाँ पर। ग्रीस जो डूब गया 2012 से 2015 के बीच में पूरी तरह, उसका डेट टू GDP रेशियो 200% था, इसीलिए पूरी तरह से चौपट होगा। हमारे अगल बगल के कई देश भी हैं जो इसी संकट में आने वाले हैं, जैसे नेपाल। KP शर्मा ओली याद होंगे आपको, क्या नौटंकी किया था इस बंदे ने, पूरी तरह भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करके रख दिया। ठीक हुआ ये गया, वरना भारत और नेपाल के रिश्ते को एकदम रसातल पे गिरा देता। इसका डेट टू GDP रेशियो 53% है। यहाँ के वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि ये डेट टू GDP रेशियो होता क्या है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा का खतरा तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो 74% है। आप समझ सकते हैं ये खतरे के निशान को पार कर चुके हैं, अब कभी भी ये बर्बाद हो जाएगा। खतरा इसलिए है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, और परमाणु संपन्न देश का स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां गृह युद्ध होगा और श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, यूक्रेन जैसा स्थिति हो गया, सीरिया जैसा स्थिति हो जाएगा, तो किसी के हाथ में परमाणु बम लग जाएगा, उसे कहीं चला देगा। पता चला आप मोहल्ले के किसी नॉर्मल आदमी को AK-47 निकाल दीजिए तो बरस करेगा इसे 47 लेके ले। तो भाई बड़े हथियार जिम्मेदार देशों के पास होना चाहिए। तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय, वहाँ आतंकवादी हर इनको लोन देने से पहले इनका हथियार ले लो, सीधे चला देगा भारत के ऊपर, ये नहीं देखेगा कि सजुरा कितना दूर जा पाएगा नहीं। तो देखिए डर उसको होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चुट्टा के पास है ये क्या खोने के लिए। और अफगानिस्तान तो देख ही रहे पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया, और इधर म्यांमार देख ही रहे हैं, आंग सांग सूके से पूरी तरह मिलिट्री ले लिया है। तो यहाँ पे म्यांमार में तानाशाही होगा, अफगानिस्तान में तानाशाही होगा, तो दू गो इधर से बर्बाद, और ये दू गो कर्जा में बर्बाद, नेपाल और ये आपका पाकिस्तान। तो देखिए अब आगे क्या होता है, श्रीलंका को तो बर्बाद होना फिक्स है, बाकी दुनिया के देशों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि सीखो कुछ श्रीलंका से किस तरह बर्बाद हुआ, चाइना के डेट ट्रैप में मत फंसो। अब भारत के हर राज्य से कहते हैं कि भाई आप लोग भी अपना वित्त मंत्री सोच समझ के बनाइए, कि जिसको ये सब पता हो डेट टू GDP रेशियो क्या क्या होता है, इसे ही नहीं कि उठा के बना दे इसे महिंद्रा राजपक्षे टाइप का कि डुबा देगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। और अगला बैच जो है हिस्ट्री का है, परसों से मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री का बैच। 17 तारीख को सुबह 7 बजे हिस्ट्री के बैच होंगे, उसको आप लोग इनरोल होंगे, उसकी बहुत ही नॉमिनल फी होगी आपकी, 250 रुपये यहाँ पर। ये कभी कभी मेरा मन करता है खान सर की वीडियो देख के कि एक इनकी क्लास अटेंड कर ली जाए। भाई गुड भी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में यही आ रहा था, एनरोल मार दें। ये कब का आया है, कुछ करते हैं यार, हम कर पाएंगे, करते हैं कुछ, देखते हैं, पता नहीं, मतलब आई जस्ट वांट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यार। हाँ, मजा आएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट ढूंढेंगे जो कि यार कोई स्टूडेंट हो ना हमें बताना कि कोई ऐसी क्लास जो मतलब जो हम भी उससे रिलेट कर सकें और मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। हाँ। और मैं देखना एक्चुअली मैं इनकी एक बार क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, मेरा भी बड़ा मन है। लेट्स सी कि हम उसको अब रिकॉर्ड करके किसी क्लास डालना वो थोड़ा अनएथिकल है। नहीं नहीं मैं अपना, बस अपने लिए, मैं अपने लिए, मैंने रिकॉर्ड करके डालूंगी नहीं, ऑब्वियसली अपने लिए। मुझे ना अभी जैसे इन्होंने बोला ना कि ये नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है, मेरे दिमाग में यही आया, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम होता है, हम तो कर सकते हैं। बड़ा तेरे पास टाइम है, डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया,
खान सर, खान सर, ओपी इन द चैट, खान सर के अपने स्वैग हैं भाई, सीरियस बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, पूरा सिचुएशन बताया, मतलब ऑब्वियसली. और देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये सारी नॉलेज नहीं थी. हाँ, हाँ. मुझे कुछ भी नहीं पता था, श्रीलंका की सिचुएशन नहीं पता थी. सिचुएशन चल रही है, मैं न्यूज़ देखता हूं, मैं ट्विटर देखता हूं, बहुत चीजें देखता हूं, ये नहीं उतना एक्टिव है, तो इसको मैं ही बताता हूं इसको ज्यादातर चीजें. तो मुझे ये पता था और मुझे जानना था कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके पीछे जो इन्होंने पॉलिटिकल बताया वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. दैट इज अ गुड इन्फॉर्मेशन एंड आई वॉज एंटिसिपेटिंग ये आएगा, मगर जिसको उसको घुमा के, बिकॉज इट्स नॉट कि आप किसी का देख रहे हो, उस कंट्री में भी सिटीजन्स हैं. आई फील कितने लोग हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को पेपर, बच्चों को पेपर नहीं पढ़ने को, तो क्या है सिचुएशन, समझ रहे हो? नहीं है यार, दे ट्रस्टेड अ गवर्नमेंट और उनकी लाइफ अब क्या हो चुकी होगी, बिकॉज़ काफी साल लग जाएंगे इसको. मुझे क्या पता है यार, मेरा प्राइम, मेरे प्राइम मिनिस्टर या उनकी क्या प्रेसिडेंट या मेरी गवर्नमेंट क्या कर रही है. मतलब व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इज, एक नॉर्मल इंसान तो बस अपने काम ही नहीं खत्म कर पाता, ये कहां सोचेगा. उसको बस ये होता है कि मैं सुबह उठूं और अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं, हमारे लिए तो आराम से सो जाऊं, ठीक है. उस चीज को वापस इंडिया के स्टेट्स को समझाना, जो जो कोई किसी को नॉलेज है नहीं है कि आपके स्टेट में ये चल रहा है, और आपको सोच समझ के अपना नो फाइनेंशियल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या अपना स्टेट का मिनिस्टर चूज करना चाहिए. और हाउ डज दिस इम्पैक्ट कि पाकिस्तान, हम हंस रहे हैं पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, हाँ हाँ, नेपाल और बाकी कोई कंट्री है, जैसे अफगानिस्तान में ये हुआ, कितना न्यूज़ देखा, और वो सब हमें कैसे इम्पैक्ट करता है. ये इन्फॉर्मेशन जो ये दे रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेल थॉट कॉन्टेंट की मैं इस चीज़ से कैसे आपको एजुकेट और आगे एंटरटेन, तो अलग बात हो गई, उनका स्टाइल ही है, आगे के लिए आपको कैसे मैं एजुकेट कर सकता हूँ कि यू एज अ सिटीजन, चाहे बच्चे देख रहे हो, आगे जाके यू टेक अ बेटर डिसीजन फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कंट्री, एंड यू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड. हाँ यार, अगर तुम अपनी सरकार ऐसे एक खानदान या एक घर घर के नाम पर दे दोगे कि भैया चाचा ये बन जाता है और भतीजा ये बन जाता है और आगे के सारे वो, तो फिर तो कोई किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा ना. मतलब एक बंदा जो सोच रहा है अपने दिमाग से वो करता जा रहा है, और कोई तो है ही नहीं. धर्म, जाति और भेड़ चाल इस चीज में क्वेश्चन करने वाला, इन द एंड नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर योर एक्सपेंसेस. वो अपना खा पी के निकल जाएंगे. अब जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहाँ के हैं, उनके पास इतना पैसा होगा कि वो पता लगेगा कहीं और बैठे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो. ऑलराइट पीपल, एंजॉय, चिल, सब्सक्राइब टू ब्लॉग्स चैनल. मैं पहले बोलता था आवर ब्लॉग चैनल, इस समय इसका लग रहा है नीति रमन ब्लॉग्स. Peace out, baby. मिलते हैं.